हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी है और आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अपडेट के साथ, जिसमें उसने अपने पुराने नियम में चेंजेस किए हैं। तो क्या है उन नियम, नए नियम, उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी है और मेरे इंपार्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले मैंने SBI के ऊपर जो नया रूल आया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने पर बैलेंस में से आपके बैंक अकाउंट में से चार्जेस कटेंगे। तो अब उस नियम में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब SBI ने नया नियम लाया है। क्या है वो नियम, मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूँ। अगर आपका बैंक अकाउंट देश की सबसे बड़ी बैंक शाखा SBI में है, तो ये न्यूज़ पूरी की पूरी आप ही के लिए है। कुछ दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस रखने को अनिवार्य किया था। SBI ने अकाउंटेंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर फाइन का प्रावधान कर रखा था। यानी अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको बैंक का चार्ज देना होगा। आपको आज इस बारे में बताते हैं, आखिर खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने की स्थिति में बैंक आपसे कितना चार्ज वसूलेगी। मेट्रो शहर में यह जो SBI ने मेट्रो सिटी में अपने ग्राहकों के लिए खाते में कम से कम 3,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखा था और अनिवार्य किया था कि आपको अपने अकाउंट्स में 3,000 रुपये मेंटेन करके चलने होंगे। अगर अपने खाते में 3,000 रुपये से कम है तो आपको 30 रुपये पेनल्टी देना, और मंथली एवरेज बैलेंस यदि 2,999 से लेकर 1,500 रुपये के बीच में है तो 30 रुपये। अगर मंथली एवरेज बैलेंस 1,499 से 750 रुपये के बीच में है तो 40 रुपये फाइन का प्रावधान था। इसी तरह अगर आपके खाते में 750 रुपये से कम हो तो आपको बैंक 50 रुपये फाइन के तौर पे देने होते थे। तो इस तरह से उन्होंने बैंक चार्जेस लगाए थे, पर अब SBI ने इन चार्जों को हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो अब आपको किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना होगा। और यह सारे नए जो अपडेट्स आए हैं मिनिमम बैलेंस के, आपके मेट्रो शहर में भी अप्लीकेबल होंगे और इसके साथ साथ आपके अर्बन, सेमी अर्बन एरिया में भी और ग्रामीण इलाकों में भी अब किसी तरह का लो बैलेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।